तो हुण गल करदे आं हलका कादियां दी, जिथे एक घर विच दो वख-वख पार्टियां दे झंडे विखाई दे रहे ने। एक घर बाजवा भरावां दा, एक घर विच रहिंदे होए वी बाजवा भरा वख-वख पार्टियां चों चोण लड़न दी तैयारी कर रहे ने। तुसीं तस्वीरां वेख सकदे हो, हलका कादियां दी तस्वीर है जिथे फतेह जंग बाजवा जो कि भाजपा के नवे नवे आगू बने ने, उन्होंने अपना झंडा गढ़ दिता है। तो कांग्रेसी प्रताप बाजवा उन्होंने वड्डे भरा, उन्हां वल्लों भी जिहड़ा झंडा लाया गया, एक ही घर के उत्ते दो फ्लैग। ये दृश्य जो तुसीं देख रहे हो, ये कादियां विखे स्थित प्रताप सिंह बाजवा अते फतेह जंग सिंह बाजवा का साझा घर है, जिथे इस वक्त दो झुंडे झूलते दिखाई दे रहे हैं। दोवें आपस के विरोधी पार्टियां ने, एक कांग्रेस का झंडा और दूजा भारतीय जनता पार्टी का। दसना चाहवांगा कि इस कोठी के उत्तर लंबा समा जो है वह कांग्रेस पार्टी का ही झंडा झूलता रहा है, पर दोवां भरावां दे विच सियासी फिक पै जाण कारण वक्खो वक्खरा रस्ता जो है वह अपना लिया गया है। क्योंकि बीती 2017 विधानसभा दे विच फतेह जंग सिंह बाजवा ने जो है वह विधायक बने सन कादियां तो, इस बार उन्हां दी जगह दे उत्ते कांग्रेस पार्टी तों प्रताप सिंह बाजवा जो है उन्हां नूं उम्मीदवार लान्या गया है। तो उस तो बाद ही फतेह जंग सिंह बाजवा अते प्रताप सिंह बाजवा दी आपस दे विच सियासी फुट जो है वह आ गई सी, जिस का ये जींदा जागदी मिसाल जिहड़ी है वह देख सकते हो कि इस घर की उपरली मंजिल दे विच प्रताप सिंह बाजवा की रिहायश है और इस घर की हेठली मंजिल दे विच फतेह सिंह बाजवा की रिहायश है। वह सांझा घर उत्ते मैं रहिंदा, थले मेरा छोटा भाई रहिंदा, बीजेपी के बेचे कि मैं उसनों जिहड़े जिस पोर्शन का मालिक हूँ उत्थे वह बीजेपी का झंडा लाता, अकाली दल का लगता, वह मेरे तो हथ वास की कहानी नहीं। मैं असी एक जद्दी घर च रहिंदे जिहड़े मेरे पिता का घर, मैं इस टाइम इलैक्शन वंडन तो नहीं ना कर सकता। हुण जे छोटे ब्रदर ने थलड़े अपने दरवाजे से बीजेपी का झंडा ला लिया है तो कहने टू दो जड़े झंडे ने वह लहरा रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी का एक भाजपा का। कैमरा परसन प्रीत के नाल रवि बख्श सिंह, PTC न्यूज़, गुरदासपुर।